ये भी सफाई हो गई, कमरे की किचन भी साफ हो गया है। और मेरा यूट्यूब बनाने का मकसद क्या है, मैं किस लिए यूट्यूब बना रही हूँ, मेरा मकसद मेरी औलाद है और मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी खातिर बना रही हूँ, मैं उनकी खातिर कुछ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि आपको पता है, एक अफराद घर का कमाने वाला और घर बहुत मुश्किल से आपको पता चलता है, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने घर बैठे कुछ करूं। मेरा मकसद यह है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, मेरे बच्चों की चले जो ज़रूरियात होती है, मैं उनका उनकी ज़रूरियात के लिए कुछ करूं। तो बस मेहनत करूंगी, इंशाल्लाह मेहनत करूंगी तो आगे जाऊंगी। तो बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मेरे चैनल को शेयर करिए और देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हेल्थ से होंगे। हम सब भी ठीक ठाक है और माशाल्लाह जी, ईद भी अच्छी गुजर गई होगी आपकी, ईद भी चली गई और माशाल्लाह रमज़ान भी चला गया। पता भी नहीं चला एक माह कैसे गुजरा, ईद भी करते करते ईद भी गुजर गई। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपकी ईद कैसे गुजरी। हमारी भी माशाल्लाह अच्छी गुजर गई, घर में गुजारी हमने भी अच्छी गुजर गई। तो जी वही ईद के बाद जो रूटीन होती है वही सी, वैसे तो हमारी डेली की वही रूटीन होती है आपके साथ जो हम शेयर करते हैं, तो आज से हम वही रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे घर की। और बस शुरू हो गई आज से रूटीन हमारी, बच्चों की ना अब पेपर भी शुरू हो गए हैं बच्चों के, क्योंकि कल है मंडे, फिर कल से इनके पेपर पहला शुरू हो रहा है। पेपर कौन है कल? कल कौन सा पेपर है? इंग्लिश का। ऐसा है इंग्लिश का कल इनका पेपर है, तो बच्चे भी अब पढ़ाइयों में इनका भी तवज्जो हो जाएगी, बल्कि ये कल इंग्लिश का पेपर है, ये आज से ये इनकी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो बस ईद गुजर गई, रमज़ान गुजर गया, बस अल्लाह मियाँ अगले साल भी नसीब करे सबको। तो चले जी जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमारे साथ ही रहिएगा, तो बस जो भी होगा आपको हम दिखा देंगे। तो चले देखते हैं। खत्म कर लिया, छोरा हम कर दिया आपने, ब्रेड भी खत्म कर दिया आपने और अंडा अंडा हम कर दिया। सुफियान आपने कर लिया नाश्ता? असलान आपने? अब ये बर्तन उठाएगी, ला मुझे दे दो, मुझे दे दो, मम्मा को दे दो। आप नाश्ता ख़त्म करो, अपना नाश्ता ख़त्म करो, जल्दी से पूरा ख़त्म करना है आपने। यहाँ पे जी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। बेबी पापा तो पराठा खाएंगे, पापा के लिए पराठा बना रही हूँ मैं। आपने क्या खाना है? अच्छा ला के देखती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे देखिए मेरा पराठा भी एक बन गया है और ये अंडा है थोड़ा सा, इसके अंदर मैं ये भी अंडा डाल दूँगी और ना मैं बस अंडा नमक मिर्च डाल के बना लूँगी और पराठा मेरा तैयार हो गया। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपना अंडा। ना अभी जी ये मेरे ने चादर सही कर लिया ये ले कमरे की, और थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ये चादर फिर सारी टेढ़ी मेढ़ी कुछ मुछ हो जाएगी चादर, बच्चे ऊपर बैठेंगे तो इन्होंने ख़राब कर देनी है। वो बोला तकिया सही नहीं, उसको सही करूँ। तो बस यहाँ पे जी मैंने अभी चादर यही मैंने बिछाई है, ये तो मैंने बोला चले ये चादर सही कर लूँ, फिर किचन में जाते हैं। अपना नाश्ता हमारा हो गया था, सफाई बस अभी शुरू करूँगी और बस दुआ करिएगा कि हमारे बच्चों के पेपर अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये सालाना एग्ज़ाम इनके हो रहे हैं। और भाई मौसम भी देख लें कितना अच्छा हो रहा है, धूप इतनी तेज़ निकली हुई है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना, ईद पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और ईद के बाद तो वाकई गर्मी हो रही है, लेकिन हवा अच्छी चल रही है। और यहाँ पे देखे मैंने चने की दाल ना भगो के रखी थी, अभी मैंने इसको उबाइल किया है और इसके ऊपर देखे झाग आ गई है। आज मैं चने की दाल फ्राई बनाऊंगी, तो बस ये तैयारी हो रही है, इसका मसाला तैयार करूँगी, पहले किचन साफ़ करूँगी। तो बस इसका मैं पहले ना मसाला बना लूँ, फिर अपने किचन की तरफ आती हूँ। ये मैं ऊपर से उतार देती हूँ, आप उतार देते होंगे, मैं तो ये उतार देती हूँ, जो वाइट वाइट ऊपर झाग आ जाती है ना, तो ये मैं उतार देती हूँ। चलो जी मैंने ये दाल का मसाला ले लिया है, दाल के लिए मैंने प्याज लिए हैं, लहसुन अदरक लिया। अच्छा लहसुन बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कम करूँगी। और ये देखे ये वाली हरी मिर्चें ना मेरी पड़ी हुई थी, तो ये ना पड़ी पड़ी देखे ये रेड हो गई हैं, तो इस तरह मिर्चें रेड हो जाती हैं ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, अभी भी देखे इसके अंदर काफ़ी मिर्चें हैं, तो ये तो छोटी छोटी हैं, ये तो इस्तेमाल हो जाएंगी, अभी दाल बनाऊँगी। तो चले बनाते हैं पहले मसाला जल्दी से अपना। चलिए तो यहाँ पे मसाला वगैरह मेरा तैयार हो गया, पहले चढ़ा लेते जल्दी से सालन अपना। प्याज, अच्छा प्याज मैं इसमें मैंने दो यानी तीन डाले हैं, दो छोटे थे और एक बड़ा था। तो प्याज और टमाटर ही ज़्यादा, दाल जब फ्राई बनानी हो ना तो मैं ये डालती हूँ।
और इसमें से ना कुछ प्याज मुझे टमाटर नरम नरम लग रहे हैं, पहले ये वाले निकाल लेते हैं नरम वाले। किचन में खड़ा हो तो गर्मी भी लग रही है। और या ऐसे बताइएगा आपको ऐसे काटना किसको अच्छा लगता है? अच्छा ऐसे काटते हैं ना तो डर भी लगता है कि कहीं हाथ पे छुरी ना लग जाए, लेकिन हमारा वो देसी तरीका है ना, हम हाथ में पकड़ के ना इस तरह सब्जी को इस तरह पकड़ के हम काटते हैं। मैं तो इस तरह ही काटती हूँ, लेकिन कभी जब दिल कर रहा हो ना बंदे का इस तरह काटने का, तो फिर डर भी लगता है कि कहीं उंगली में छुरी ना लग जाए। तो मैं तो इसी तरह हाथ में पकड़ के ना इसी तरह मैं काटना शुरू हो जाती हूँ। वैसे बिल्कुल नहीं होता, डर भी लगता है छुरी पे हमारे ना हाथ पे छुरी ना लग जाए। तो काटते हैं जल्दी जल्दी अपना सालन, सब सालन बोल रही है सब्जी। और ये सूखा धनिया ठीक है, मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ जीरा चलो जी एक चम्मच। और ये थोड़ी सी हमने मोटी मिर्च डाली है, अभी साथ या मम्मा के बर्तन भी रह गए, अब मम्मा बर्तन धोएगी। मम्मा पहले खाना बना रही है। खाना मेरा बन जाए ना फिर। और दाल देखिए, अच्छा दाल का मैंने पानी ना थोड़ा सा निकाल दिया, ऊपर वाला झाग वाला थोड़ा मैंने रहने दिया इसके अंदर ही, इसी तरह ही दाल मैं ना इसके अंदर डाल दूंगी। क्या लाइबा ने अभी मामा ने ये देखे, लाइबा का हाल देखे, पूरे पापड़ ना बाहर से लेके आई है ना पापड़, ये सारे किसने ला के दिए लाइबा को पापड़ बाहर से लेके आई हो? सारा देखे बैठ पे इसने कचरा मचाया, भैया ने ला के दिए। और कैसे इसने यहाँ पे देखे गंद डाल दिया पूरे बेड पे, मेरी बेबी ऐसे कचरा डालती है, सारे बाल भी गंदे हो रहे हैं, अल्लाह बालों के ऊपर भी लगा हुआ है, सारे पापड़ इसने खाए हैं, देखे इसका हाल। देखिए जी हमारी दाल भी तैयार हो गई है, बस अभी मैं इसमें डालने लग गया हूँ। ना इसको ला के दे दें खाना, इसको भूख लग गई है सुफियान को। लाइबा ये आपका खाना तैयार हो गया, ये भी डूंगे लेके जा रहे हैं। अरे डूंगों का बड़ा मसला होता है, डूंगे ना ना गर्मी हो, और जो डूंगे आए भी होते हैं ना डूंगे गर्मी जरा नहीं होते। दो टन हो गए मैं डूंगे लेके नहीं गया, और डूंगे होते भी नहीं है ना, डूंगों का कितना मसला होता है। तो ये जी खाना लेके जाएंगे, इनका खाना तैयार हो गया, आज इन्होंने गाड़ी के साथ जाना है, तैयारी हो गई है इनकी। ये चापर सही है, इसमें डाल इसमें सब्जी में क्या क्या है, ये पालक है, बैंगन है, खीरे हैं और धनिया है, मिर्चे हैं और पता नहीं क्या क्या है, फलियाँ। खाना भी खा लिया और बर्तन मेरे धुल गए थे, अभी ये धोऊंगी बस यही है। ये कमरा मैंने पहले साफ कर लिया, ये वाला कमरा मेरा साफ हो गया था, उधर की सफाई मैंने कर ली है। और बाहर धूप देखे कितनी तेज़ हो गई है। अच्छा शाम को सेन में अपना साफ़ करूँगी, क्योंकि शाम का टाइम ज़रा ठंडा हो जाता है ना, इस वक्त बहुत धूप बाहर होती है सेन में। और ये पर्दा मैं अभी आगे कर देती हूँ, क्योंकि ये पर्दे से अंदर धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए पर्दा आगे करती हूँ, धूप बहुत तेज़ आ रही है। गाड़ी का जो सफ़र होता है ना इतना, और आप यकीन नहीं करेंगे कि गाड़ी का सफ़र ना दो तीन दिन तो बंदे का सर ही घूमता रहता है। और मैं कहती हूँ हस्बैंड वो तो हर हफ्ते जाते हैं, तो जी बस अल्लाह मियाँ हिम्मत दे ताकत दे उनको भी, तो बस ये है। और साथ ये देखे नायबा तो अब आराम से बैठी हुई है, तो बस यही था। और खाना वगैरह भी बच्चों ने खाया है, तो मैंने बोला चले गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं अभी अंदर आकर बैठी हूँ। यही था कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो आप मेरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, क्योंकि
मैंने ये चैनल बनाया है, अगर आपको मैं सही बताऊँ तो मैंने ये चैनल किस लिए बनाया है, पहले हर कोई इंसान पता क्या है यूट्यूब पे कोई बिला वजह नहीं आता, हर कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसा ही आए जी टाइम पास करने के लिए आए, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता, जाहिर सी बात है हर किसी की अपनी 100 घर की होती है मजबूरी होती है, लेकिन अल्लाह मियाँ सबके घरों की मजबूरियाँ अल्लाह मियाँ बस ख़त्म करे। और साथ ये था कि मैं अगर यूट्यूब पे आई हूँ तो सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से आई हूँ, कुछ अपने खावन मैं अपने यानी हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो जो मेहनत कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ मैं भी थोड़ी उनकी सपोर्ट करूँ, तो मैं अपने बच्चों की जो छोटी छोटी ज़रूरियात होती है ना, मतलब बच्चों की कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं जो इंसान के नहीं भी होता, तो फिर भी मैंने बोला चले मेरे से जितनी हो सके कि मैं इसमें मेहनत करूँगी, तो बस यही है कि मेहनत करूँगी तो मेहनत से इंसान आगे बढ़ेगा, तो जी मेहनत करूँगी तो बस हो पाएगा। तो चले आप बस आपके कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, पूरी देखिए और शेयर लाजमी करिएगा मेरी वीडियो, तो बस यही है। लाइबा को देखिए, लाइबा भी लेट गई है नहाई अभी, तो बस यही था। और अभी आराम से लाइबा आज अपने इस्लामी की इस्लाम करो, अच्छा रहता है आपको यही करते हैं यही करते हैं। अब पापा के हैं, पापा को जल्दी से अब पापा को फिर फोन करेगी, पापा इसके आ जाएंगे, दुआओं में लाजमी शामिल रखिएगा। और चले फिर रही आपको रूटीन मेरी सुबह से अभी तक कैसी लगी, तो चले फिर अगली दोबारा रूटीन दिखाएंगे आपको कल से, बस माशाल्लाह कल से वही रूटीन हो जाएगी हमारी जो हमारी डेली की रूटीन होती है, आज जो सुबह से लेकर नाश्ते की खाने की हमने आपको दिखाई है सफाइयाँ भी हो गई हैं, अभी झाड़ू नहीं लगाया बस ये एक ऊपर से बेडशीट से ही हो गई है, मेरी सफाइयाँ हो गई है, किचन साफ हो गया, बाकी ये सफाइयाँ तो साथ होती रहेगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी शामिल रखिएगा। लाइबा अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ बोलो, लाइबा बोल तो बोलिए मोबाइल को टीवी में, तो चले फिर अल्लाह हाफिज़, चले जी अल्लाह।